वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है नेक्स्ट डे और हम सब सुबह सुबह ही आ चुके हैं, 5 बज रहे हैं और बनारस आए हैं। और गंगा स्नान ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो गंगा स्नान तो ज़रूर ही करना चाहिए। तो सुबह सुबह आ गए हैं गंगा स्नान के लिए और सुबह सुबह बहुत से लोग आए हुए हैं यहाँ पे स्नान करने के लिए, तो हम भी स्नान करेंगे। उसके बाद काल भैरव मंदिर के लिए निकल जाएंगे यहीं से। तो काशी विश्वनाथ टेंपल से पहले दर्शन काल भैरव किया जाता है, मान्यता है यही। और तो हमारा काल भैरव का बहुत ही अच्छे से दर्शन हो चुका है, लाइन बिल्कुल भी नहीं लगनी पड़ी हमें, कोई भी टिकट पास वगैरह नहीं लेनी पड़ी और बहुत ही अच्छे से हमारा जो काल भैरव दर्शन है वो हो चुका है और हम सब बाहर आ चुके हैं। और मैं यहाँ पे चाय पी रही थी सुबह से, चाय नहीं पिया था, थोड़ा सर भारी हो जाता है तो चाय पी रही थी और बेटा मेरा लस्सी पिया। और उसके बाद हमने सोचा चलो रूम पर जाने से पहले नाश्ता कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पे घूम वाली पकाई और सब्जी खाई। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट भी एक्सप्लोर कर ले रहे थे, तो जहाँ पे बदौलिया चौक के पास हमने रूम लिया है वहीं पे पूरा मार्केट एरिया ही है। तो रूम पे जाते जाते हम थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट भी एक्सप्लोर कर ले रहे हैं और कुछ ज़रूरत के सामान भी ले लिया था हमने। और यहाँ पे बनारस आए हैं और बनारसी पान न खाया तो क्या खाया, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं मीठा बनारसी पान। तो ये भैया जी बता रहे थे ये उनकी दुकान जो है वो 60 साल पुरानी है और बहुत ही अच्छे से ये बता रहे थे। और हमने अभी तो नहीं खाया है, रूम पर जाकर पान खाऊंगी मैं, क्योंकि मुझे बहुत ही थोड़ा अजीब लगता है, मुंह पूरा रेड रेड हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मार्केट लगे हुए थे जो कि काफ़ी सुंदर सुंदर इयररिंग्स वगैरह, इयररिंग्स का फिक्स रेट था 100 रुपीज़ और इधर थी जूतियाँ जो कि 200-250 के बीच में थी। तो ये सब भी बहुत ही सुंदर सुंदर लग रहे थे। और लास्ट में हम गए बनारसी साड़ी देखने, जिस जो कि बनारस बनारसी साड़ियों के लिए फेमस है। तो हम गए बनारसी साड़ियाँ देखने के लिए और साड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत थी। तो बहुत सी साड़ी देखी मैंने, मुझे इतना लेना नहीं था बट मैंने एक साड़ी तो ले ही ली जो कि काफ़ी सुंदर साड़ी थी, मैं आपको ज़रूर आगे के ब्लॉग में दिखाऊँगी। उसके बाद हम रूम पर आ गए और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो होटल हमने लिया था वो कॉरिडोर का वीडियो में दिखा रही हूँ, किस तरह से इन्होंने डेकोरेट करके रखा था। और यहाँ जो रूम का प्राइस है वो हमने डिलक्स लिया था वो हमें 2200 पड़ा था। और यहाँ पे जितना भी आप महाराजा लेना चाहते हैं रूम वगैरह तो वो भी 2500-3000 के रेंज में आ जाएंगे। तो रूम वाइज बहुत ही अच्छा था, मुझे सबसे ज़्यादा ये अच्छा लगा कि ये बहुत ही अच्छे एरिया में है। तो गदौलिया चौक आप किसी भी जगह पे लेते हो ना, स्टे करते हो, तो आपको अगर यहाँ दर्शन करने के लिए आना है तो गदौलिया चौक ही आना पड़ेगा। इसलिए आप यही करो कि आप अगल बगल ही गदौलिया चौक के लो ताकि आपको ईजी विली में मिल जाएगा। यहाँ पे धर्मशाला वगैरह भी हैं, आप वहाँ भी जाकर स्टे कर सकते हैं। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें तो आपको पूरा मार्केट यहाँ पे रात भर ओपन रहता है, इसलिए डर की कोई बात नहीं है। तो शाम हो चुकी है और हम आ गए हैं काशी विश्वनाथ टेंपल के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे आपको टेंपल के अंदर एक माता अन्नपूर्णा का भी मंदिर है और काशी विश्वनाथ बाबा का भी मंदिर है। और ये है गली नंबर 2, गेट नंबर 2, इससे हम एंटर करेंगे। और लकीली हमें यहाँ भी बिल्कुल भी लाइन का सामना नहीं करना पड़ा, बहुत ही अच्छे से हमारा जो है दर्शन हो गया। हमने जो इस टाइम पे 4 बजे आई हूँ, इस समय भी थोड़ा धूप था, दिन भर हमने घूमने को नहीं गई हूँ क्योंकि बहुत ही अधिक धूप था, इसलिए हमने रूम पर ही रहे हैं। और यहाँ पे आपको बिल्कुल भी आपको कुछ भी ले जाने के लिए नहीं मिलेगा, मोबाइल वगैरह, मोबाइल कैमरा वगैरह। तो आप जब दर्शन करके निकल जाओगे तब अपना बैग ले लो और इस तरफ से ऊंचाई
की तरफ से आते, यहाँ पे हमने यहाँ ज्ञानवापी देखा और देखा हमारा काशी विश्वनाथ बाबा का टेंपल भी यहाँ पे दिखता है। दोनों जने साथ साथ भी हैं और ज्ञानवापी में जो शिव जी निकले हैं वो भी हमने उनके भी दर्शन कर लिए। तो गर्भगृह में तो चलिए दर्शन तो बहुत ही अच्छे से हो गया, हमने यहाँ पे दो चार फ़ोटो वगैरह लिए और अन्नपूर्णा माता के दर्शन किए। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे अगल बगल का थोड़ा सा व्यू दे दे रही हूँ। और फिर हम निकल चुके हैं, अब हो गया हमारा दर्शन बहुत ही अच्छे से और हम निकल चुके हैं काशी चाट भंडार की ओर। तो शाम का टाइम है, स्नैक्स टाइम तो होना ही चाहिए और बनारस आए हैं तो यहाँ पे एक्सप्लोर करना तो बनता ही है। तो हमने बहुत सारे वीडियोस देखे थे जहाँ पे काशी चाट भंडार की बहुत ही ज़्यादा अच्छी रिव्यू दिखाई गई थी, तो हम भी यहाँ पे ट्राई करने के लिए आ गए हैं। और ये अपोजिट में है, बिल्कुल गिरजाघर चर्च है और आप यहाँ पे बैठकर भी खा सकते हो और खड़े होकर भी नीचे में खा सकते हो। तो हम यहाँ बैठ चुके हैं और सबसे पहले यहाँ की फेमस टमाटर चाट हमने ट्राई की जो कि बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही टेस्टी थी। और यह है टिक्की चाट, टिक्की चाट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। हमने यहाँ पांच छह तरह के चाट जो हैं वो ट्राई किए हैं और सभी जो चाट थी वो बहुत ही टेस्टी थी। तो उस चाट खाने के बाद हम रूम पर चले गए थे और सुबह सुबह आ गए हैं 5 बजे सुबह बनारस के स्टेशन पर और हम जा रहे हैं एक और नए सफ़र पे। तो आप भी चलिए और देखिए सुबह सुबह कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे लाइट वगैरह रात को जब जलती है ना तो स्टेशन और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है और स्टेशन सुंदर है भी। तो हम निकल पड़े हैं एक नए सफ़र की ओर। तो अब मैं जा रही हूँ अयोध्या दर्शन करने के लिए, तो हम यहाँ से लेंगे ट्रेन और अयोध्या स्टेशन पहुँच जाएँगे और फिर हम करेंगे वहाँ पे अपनी राम जी की दर्शन। अयोध्या धाम स्टेशन पहुंच चुके थे और यहाँ पे कुछ दूरी पर हमने तय करके हनुमानगढ़ी पहुंच गए हैं और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं तो हम हैं यहाँ पे हनुमानगढ़ी मंदिर में। तो राम जी के दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी के हनुमान जी के दर्शन करेंगे। और यहाँ पे कुल 76 सीढ़ी है, आपको ऊपर जाके मंदिर दिखेगा। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन बहुत ही अच्छे हुए, थोड़ी भीड़ थी बट हो गए हैं बहुत ही अच्छे से दर्शन। और 100 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको अयोध्या टेंपल भी मिल जाएगा। तो अयोध्या टेंपल हम एंटर कर चुके हैं और टेंपल के अंदर जाने से पहले यहाँ पे आपको बाहर में बहुत ही बड़ा सा प्रांगण है जिसमें बहुत तरह से आपके लगेज को और आपको चेक किया जाता है अच्छे से सिक्योरिटी पर्पस से। और यहाँ बहुत बड़ा ऐसा एरिया, तो आपका मोबाइल बैग वगैरह तो यहाँ पे रख लॉकर में जमा हो जाता है, तो यहाँ पे कुछ भी ले जाना तो अलाउड नहीं है, इसलिए मैं इसके बाद वीडियो नहीं शूट कर पाई हूँ। थोड़ा सा यहीं पे थोड़ा एक दो फ़ोटो वगैरह ले लिया है और उसके बाद यहाँ पे दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए थे। तो दर्शन होने के बाद हम यहाँ पे जैसे सुबह आए थे हम यहाँ पे 10 बजे के लगभग, 10-11 बजे के लगभग, और 3 बजते बजते हमने बहुत ही आराम से यहाँ पे दोनों जगह पे हनुमानगढ़ी और यहाँ पे दर्शन कर लिया। और इसके बाद हम स्टेशन पहुँच गए। तो अयोध्या धाम जंक्शन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है,
जिसमें कि आपको एसी वाले केबिन भी मिल जाते हैं, 20 रुपीज़ आप दो और उसमें भी आप रेस्ट कर सकते हो। और अदरवाइज़ आपको यहाँ पे चारों तरफ फ़ैन वगैरह बड़े बड़े लगे हुए हैं, ताकि आप यहाँ पे भी आराम से अपना वेट कर सको ट्रेन वगैरह की। तो बहुत से लोग यहीं पर बैठे हुए थे, और ये देखिए कितना खूबसूरत सा ये जंक्शन है। सो फ्रेंड, हमारी तो बहुत ही अच्छे से दर्शन हो चुकी हैं और उसके बाद हम घर को लौट जाएंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।